अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सी डी यूट्यूब के माध्यम से जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, मेन्स और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस वो भी बिल्कुल निःशुल्क हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सही सही नमस्कार दोस्तों मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम डेली करंट अफेयर एनालिसिस में तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें और क्या है सुर्खियों में हमारे एग्जाम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहली जो हमारी आज की हेडलाइन है सबसे पहले न्यूज से आ, के सबसे पहले पेज से दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है यू ओबीसी कोटा इन द नीट एग्जाम ठीक है आपको पता है काफी टाइम से ये पेटिशन चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से दलीलें हो रही थी और फाइनली एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंस कर दिया कि जो डिसीजन लिया गया है आ, कि 27 परसेंट कोटा होना चाहिए ओबीसी का इन द नीट ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर यू जी एंड पी जी मेडिकल एग्जाम्स उसको अपहोल्ड कर दिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी है ठीक है तो ये था और इसके तहत जो है आ, काफी जो एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है कि जो ओपन एग्जाम्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि हर तरफ फॉर्मर इक्वालिटी होनी चाहिए जबकि ये कोई एंड इन ग्रेंड इन इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते हैं ठीक है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है इसमें कि जो कैंडिडेट्स हैं जो कि uh, uh, मतलब ओबीसी बैकग्राउंड्स के हैं या ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सोशली डिटरमाइन नहीं किया जाता है जो सोशली बैकवर्ड होते हैं उनको जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इसी इक्वालिटी के तहत जो है ये कोटा उन्हें दिया गया है ठीक है देखिए काफ़ी टाइम से ये इशू चल रहा था अगर हम इस इशू को समझने की कोशिश करें तो ये हुआ है कि जो पेटिशनर्स थे ठीक है जो कि काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स थे हमारे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि लिमिटेड रिजर्वेशन है जब फिफ्टी परसेंट का लिमिटेड रिजर्वेशन कैप है फिफ्टी परसेंट का फ्रॉम द इंदिरा सुहाने जजमेंट तो गवर्नमेंट जो है उससे ये सारी चीज़ें अप्लाई करने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं लूप में रखा कैलकुलेशन जब क्यों नहीं की उन्होंने कोटा को लेकर के और कोर्ट ने फर्दर इस बात को कंफर्म किया कि जहां वहां पर कोई ऐसी नीड नहीं थी कि सेंटर को जो है पहले आकर के सुप्रीम कोर्ट से कंसेंट लेना पड़े कि भाई हम ओबीसी कोटा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो पहले आप कंसेंट दीजिए एआईक्यू जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं अंडर नीट एग्जाम की उसके लिए आप हमें पहले प्रायर इंफॉर्मेशन का और प्रायर कंसेंट का जो है ऑर्डर दीजिए तब हम इसको करेंगे ऐसी कोई जरूरत नहीं थी ठीक है तो जो एक्चुअली में जो आवाज उठाई गई थी उसको जो है एक क्लेरिफिकेशन के साथ एंड किया गया है ठीक है और इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में ये भी बताया है कि देखिए जो भी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दे आर ओनली टू एंश्योर फॉरमर इक्वालिटी एंड नॉट वाइड स्प्रेड इनग्रेन इन इक्वालिटीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू एजुकेशनल फैसिलिटीज टू सर्टन क्लासेस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग दी ओ बी सी और ये जितने भी प्रिवलेजेस हैं दे आर क्यू टू फॉरवर्ड क्लासेस आर नॉट लिमिटेड

ठीक है जहां पर रिजर्वेशन जरूरी होना चाहिए या नहीं वहां पर आप ये चीजें कोर्ट कर सकते हैं बता सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट ओ के, के केस में ये चीजें हेल्ड की थी ठीक है और ये भी बोला गया कि जो रिटोरिक सराउंडिंग है रिगार्डिंग दी मेरिट ठीक है जैसे कि आप अच्छी फैमिली से आते हैं अच्छी स्कूलिंग मिलती है आप इतने फॉर्चुनेट है कि आपको टैलेंट मिला हुआ है एज अ गिफ्ट ठीक है और सोसाइटी भी आपको कही न कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है आपके एडवांसमेंट में वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बैरियर्स फेस करना पड़ता है जिन्हें एडवांसमेंट नहीं मिलती है जिन्हें मेरिट सर्विसेज नहीं मिलती हैं जिन्हें डिग्निटी नहीं मिलती है सोशल डिग्निटी से वो uh, पीछे रहते हैं ऐसे केसेस में रिजर्वेशन दिया जाना सही है ठीक है और कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए ये जो आइडिया ऑफ मेरिट है बेसिकली ये कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छा या बहुत स्कोरिंग uh, आइडिया नहीं है और इनफैक्ट एग्जाम जो है वो जिस उसमें जिस चीज की जरूरत है वो है डीपर स्क्रूटनी की जो कि टाइम टू टाइम अवेल की जानी चाहिए ठीक है चलिए इस इशू को थोड़ा सा और समझते हैं जो कोर्ट है उसने ये भी रीजन दिया है कि जो भी मटेरियल अफ्लुएंस है सर्टेन इंडिविजुअल या मेंबर्स के जो कि सोशली बैकवर्ड ग्रुप से हैं या क्रीमी लेयर से हैं वो यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट दी एंटायर ग्रुप टू डिनाई इट्स बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन की देखिए जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन है वो कुछ लोगों को के लिए जो है जरूरतमंद नहीं है राइट right? जो ऑब्वियसली लाइक पीपल इन द क्रीमी लेयर वो सर्वसंपन्न है उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है जो एक एंटायर ग्रुप है जिसे कि है हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है बैकग्राउंड अगर इस केस का देखें तो इस, इस केस का बैकग्राउंड जो है नीट काउंसलिंग से रिलेटेड था जब गवर्नमेंट uh, ने इंट्रोड्यूस किया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा ठीक है uh, और ये कोटा जो है नीट काउंसलिंग से पहले ही दे दिया गया था और जो भी कैंडिडेट नीट पीजी के एग्जाम के लिए अप्लाई uh, कर रहे थे उन्हें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं थी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट मेट्रिक्स ठीक है कि कितना किसको मिलेगा कितना कौन से कोटा में आएगा इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ये इंफॉर्मेशन दी गई बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी आफ्टर द काउंसलिंग सेशन इज टू बिगन ओनली ठीक है और जो हमारी एपिक्स कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो की ऑब्जर्वेशंस थे वो कुछ ऐसे हैं उन्होंने सबसे पहली चीज जो हेल्ड की है इस पूरे केस जजमेंट में वो ये कि रिजर्वेशन जो है वो ऑर्ड्स नहीं है ठीक है मेरिट्स के साथ अगर देखें तो रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑर्ड्स विथ मेरिट दूसरी चीज इन्होंने ऑब्जर्व uh, किया कि मेरिट कुड नॉट बी नैरोड टू द लिमिट ऑफ द सक्सेस इन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और तीसरी चीज जो इन्होंने बोली वो है कि मेरिट ऑफ अ अ पर्सन इज सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एंड हिज और हर स्ट्रगल टू ओवरकम कल्चरल सोशल सेटबैक्स ये जो तीन लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई हैं इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं और अपने मेंस आंसर जब भी आप लिखें चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिजर्वेशन पे आंसर हो ऐसे हो इसको प्लीज कोट कर देना वहां पर ठीक है चलिए आगे चलते हैं जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट क्यों है देखिए कहा जाता है कि मेरिट जो है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता ठीक है टू डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंसेस से खासकर की ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर आता है जो कि ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो मुद्दा होता है जो मेन मकसद होता है वो है टू प्रोवाइड दी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो उसको जो है ये चीज डाउन नहीं कर सकती है पहली चीज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरा एक बहुत बड़ी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि करंट कॉम्पिटेंसीज जो हैं उनको कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन द्वारा असेस किया जाता है लेकिन

और भी जस्टिफिकेशंस दी गई हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड जैसे कि एग्जाम कभी भी सोशल इकोनॉमिक या कल्चरल एडवांटेज को शो नहीं करता ठीक है और ना ही तो वो ये शो करता है जिन्हें इन चीज़ों से आ, मतलब अनभिज्ञ रहना पड़ता है या जिन्हें इन चीज़ों का नुकसान होता है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी ये शो नहीं करता दूसरी चीज़ एग्जाम जो है वो कोई भी आ, उसे हम प्रॉक्सी नहीं ले सकते मेरिट के रूप में ठीक है और तीसरी चीज ये कि मेरिट जो है वो सेक्सुअली सॉरी सोशली जो है वो कॉन्सटेक्सचुअलाइज्ड और रिकॉन्सेपच्चुअलाइज्ड होना चाहिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिट को एक तरह से इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्टिफाई uh, कर दिया कि देखो भाई मेरिट भी ऐसे नहीं मेरिट को सोशली कॉन्स्टेक्ट कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए और रिकॉन्सेपच्चुअलाइज्ड होना चाहिए यानी कि जो मेरिट बन रही है आपकी उसका क्या आधार है सोशल लेवल पर और उसी के आधार अनुसार उसको जो है आप कॉन्सेप्चुअलाइज करिए उसको जो है लागू करिए ठीक है दूसरी चीज जो इन्होंने बोली वो ये कि रिजर्वेशन जो है वो हमेशा मेरिट से ऑड नहीं होता हालांकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट होना चाहिए कि भाई अगर है तो वो सब में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल हो और ये जो ऑब्जर्वेशन थी ये किसने ऑब्जर्व की ये जस्टिस चंद्रचूण जी ने ऑब्जर्व की है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमारी दूसरी खबर जो है वो है तमिलनाडु से रिलेटेड ये अगर आप दिल्ली वाला इशू पढ़ेंगे तो आपको ये न्यूज उसमें नहीं मिलेगी जो तमिलनाडु वाला या जो और जो इश्यूज़ आते हैं चेन्नई वाला जो इश्यूज़ आता है उसको अगर आप पढ़ेंगे द हिंदू का तो वहाँ से मैंने ये न्यूज उठाई है क्योंकि ये न्यूज इम्पोर्टेंट है ठीक है तो फाइनली यहाँ पर यह है खबर कि जो तमिलनाडु है हमारा वो एक रिकॉग्नाइज सर्वे कंडक्ट करने वाला है नियर दी सी ऑफ कोरकई कोस्ट ठीक है तो हुआ यह है कि जो ये रिकॉग्नाइज सर्वे है ये किया जाना है कोरकई इन दुथुकोडी डिस्ट्रिक्ट में ठीक है जहाँ पर तामिरा पारनी रिवर जो है वो ज्वाइन करती है सी को ठीक है और ये जो रिवर ज्वाइनिंग है ये मेंशन करता है संग ये मेंशन है ऑलरेडी कहाँ पर संगम लिटरेचर में जो कि तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा फाइंडिंग किया जा चुका है देखा जा चुका है अंडरटेकन है ऑलरेडी कुछ की एक्सकावेशन हुए हैं जैसे कि ब्रिक स्ट्रक्चर्स हो गए टेराकोटा रिंग वेल्स हो गए फॉलन रूफिंग हो गई विद द टाइल्स देन गोल्डन ऑर्नामेंट्स हो गए ब्रोकन पार्ट्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स हो गए आयरन इम्प्लीमेंट्स हो गए टेराकोटा चेस पीसेज हो गए ईयर ऑर्नामेंट्स हो गए स्पिंडल होल्स हो गए फिगरीन्स हो गए ठीक है तो ये सारे कुछ की फाइंडिंग्स हो चुके हैं और ये भी देखा गया है कि यहाँ पर ब्लैक और रेड वेयर राउलेटेड वेयर और फ्यू पीसेस ऑफ एरेंटाइन वेयर भी मिलते हैं बिसाइड्स बीट्स मेड ऑफ ग्लास टेराकोटा एंड सेमी प्रीशियस स्टोन ठीक है तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब सेंस यहाँ पर मेंशन है तामिरा पानी रिवर का तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आप ये मैप देख रहे हो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखो तो ये रिवर है आपकी ठीक है और ये यहाँ पर कोरिन में सी से मिल रही है ओके इसके ऊपर अब देखिए इसे जो है तामरा पारनी रिवर को हम थामिरा बारनी रिवर भी कहते हैं या पोरुनई भी कहते हैं ये एक पेरिनियल रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है अगस्त्यार कूडम पीक से ठीक है ऑफ पोथी गई हिल्स हिंदी वेस्टर्न घाट से ठीक है कहाँ से होती है ये आपने देख लिया और ये जो है ये अपना चैनल फ्लो करती है थ्रू तिरुनेलवेली और थुटिकोडी डिस्ट्रिक्ट से जो कि तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट हैं इन दी गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास ठीक है और इस रिवर को ताम्रापारनी रिवर कहा जाता है फ्रॉम द प्री क्लासिकल पीरियड जो कि ये नाम इसको दिया गया है फ्रॉम द आइलैंड ऑफ श्रीलंका और ये ओल्ड नाम भी है ऑफ द रिवर Uh, का जो सबसे पुराना नाम है इस रिवर का थामरा पारनी का वो है पुरुनई तो ये ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं यूपीएससी uh, के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि इस रिवर का पुरुनई राम पुराना नाम क्या था ठीक है ओल्ड नेम क्या था तो वो था पुरुनई अब जरा आप मुझे आपसे एक क्वेश्चन है आपने uh, कुछ रिवर्स पढ़ी होंगी जैसे कि ठीक है मुझे जरा इन जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली मुझे जरा इन तीन रिवर्स के ओल्ड नेम फटाफट से बता दीजिए ये पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में और आ भी सकता है पूछ भी सकता है इसलिए और पूर्व नहीं तो आपको पता ही चल गया कि ये कौन से रिवर का पुराना नाम है ठीक है चलिए आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बोइंग प्लेन से रिलेटेड है जो कि जिसे कि मंजूरी दे दी गई है क्लियर कर लिया है उसको ये न्यूज़ भी देखिए मैंने ऑनलाइन हिंदू के पोर्टल से ही उठाई है ठीक है आज के न्यूज़पेपर में ये हिंदी वा दिल्ली वाले उसमें आपको नहीं मिलेगा बट कोई बात नहीं हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम न्यूज़ कहाँ से उठा रहे हैं हमारा मुद्दा ये है कि उस न्यूज में इम्पोर्टेंट क्या है ठीक है तो देखिए हुआ ये है यहाँ पर कि जो एयर इंडिया है उसने बोइंग को क्लियर कर दिया है उसकी बोइंग स्पेशली बी ट्रिपल सेवन एयरक्राफ्ट जो है वो उस, उसे क्लियर कर दिया गया है फॉर द फ्लाइट्स टू यूएस ठीक है और ये जो फ्लाइट्स टू यूएस हैं इनमें जो कंसर्न था मेनली वो हमारे 5G रोल आउट को लेकर के था जो कि इंटरफेयर हो रहे थे विद द क्रिटिकल एयरक्राफ्ट फंक्शनिंग्स के साथ अब मुद्दा यहाँ आता है कि भाई ये 5G टेक्नोलॉजी है क्या ठीक फाइव जी जिसे हम फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं वो एक लेटेस्ट अपग्रेड है इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रांड नेटवर्क आपको पता होगा फोर जी पे अभी हम चल रहे हैं और फाइव जी आ भी गया है आने वाला है ऐसा कुछ हल्ला भी है ठीक है और ये फाइव जी जो है ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि पहले से ज़्यादा कैपेबिलिटी है जो प्रीवियस मोबाइल सर्विसेज होती थी उनसे कहीं ज़्यादा ये कैपेबल होगा इन दी प्रोसेस ऑफ मोर कैपेसिटी हो गया लोअर लेटेंसी हो गया फास्टर डेटा डिलीवरी रेट हो गया या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया इन सभी चीज़ों को लेकर के ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू दी प्रीवियस मोबाइल सर्विसेज ठीक है तो ये हमारा फाइव टेक्नोलॉजी था और फाइव टेक्नोलॉजी जो है वो फ्लाइट uh, सेफ्टी को कैसे अफेक्ट करता है उसको हम समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही न्यूज़ एक दूसरे से uh, कही न कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही हैं तो देखिए जो एयरलाइंस है वो टेक ऑफ और लैंड जब करती है तो वो ऑटो पायलट सिस्टम्स का यूज करते हैं ठीक है जो कि डेटा का यूज करती है और ये डेटा उसे रडार ऑल्टीमीटर्स से जो है लेने पड़ते हैं

थ्री पॉइंट सेवन टू फोर पॉइंट फोर गीगा हर्ट्स का तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फाइव जी बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी और जो अल्टीमीटर रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है ये दोनों मतलब एक दूसरे से टकरा रही हैं एक तरह से देखें तो ठीक है और ये इंटरफेरेंस जो है ये पूरे के पूरे डेटा को मैसअप कर देता है और इसीलिए ये एक सेफ्टी कंसर्न है क्योंकि अगर डेटा गलत मिल गया रडार से ठीक है तो जो ऑटो पायलट्स हैं हमारे जो कि लैंडिंग और टेकऑफ़ के टाइम पर यूज होते हैं उनके उसमें जो है गड़बड़ी आ सकती है और उससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है ठीक है इसलिए ये सेफ्टी कंसर्न माना जा रहा है अब रेडियो ऑल्टीमेटर्स जो हैं उनका यूज किया जाता है एयरपोर्ट्स पे राइट और, और भी जो दूसरे लो लैटीट्यूड या लो एल्टीट्यूड लोकेशंस हैं वहां पर भी इनका यूज होता है तो बेसिकली क्या हुआ है एक डिफरेंट काइंड ऑफ एल्टीमीटर लाया गया है जिसको हम प्रेशर ऑल्टीमीटर कहते हैं इसको यूज किया जा रहा है फिलहाल हाई एल्टीट्यूड लिए ठीक है और जो ऑटो पायलट है उसको अगर हम कम यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे तो वो जो है ज्यादा जा, बहुत ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन करने लगेगा जिसकी वजह से एयरलाइंस की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी तो इसलिए जो है ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी चीजें मिलकर के फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट कर रही हैं हालांकि जो हमारी ये न्यूज थी कि बोइंग प्लेन को क्लियर कर दिया गया है यूएस फ्लाइट के लिए एयर इंडिया की जो प्लेन थी तो उसको जो है फाइनली इन चीजों से ऊपर करके उसको क्लियर कर दिया गया क्लियरेंस दे दी गई है ठीक है यही इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज थी हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो अगेन मैंने ऑनलाइन ही उठाई है आपके लिए हिंदू के पोर्टल से और वो है अबाउट दी चैलेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के ठीक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिससे कि हर कोई रिस्क पर है जो कि हमारे डेटा शो कर रहे हैं और इवन इन जो हमारे यंग चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज्यादा इन चीजों से पर्टिकुलरली अफेक्टेड है तो देखिए जो ग्लोबल रिसर्च है ऑन द एंटी माइक्रोबियल रिसर्च के नाम पर जिसे ग्राम कहा जाता है उसकी रिपोर्ट आई है इन दी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट्स ऑफ द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ ए ठीक है क्या है जो कि बहुत ज्यादा ये है ए के जो इफेक्ट है इम्पैक्ट है वो क्या है इम्पैक्ट को समझने से पहले हमें यहाँ समझना होगा कि भाई साहब ए आखिर क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है तो देखिए जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ए या ए जिसको हम कहते हैं वो एक ऐसी एबिलिटी है माइक्रोब की जो कि माइक्रोब को रेजिस्ट करने देता है द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन जो कि वंस कुड सक्सेसफुली ट्रीट द माइक्रोब ठीक है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो हैं वो अगेन एंड अगेन आकर कर जाते हैं नेचुरली कई बार लेकिन मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस में एनिमल्स में जो है इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट भी कर देता है और जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन्स हैं जैसे कि जो बढ़ रहे हैं जैसे कि निमोनिया हो गया ट्यूबकलॉसिस हो गया गनोरिया हो गया सेलमोनोसिस हो गया ये सारे जो हैं आज की डेट में काफ़ी हार्ड होते जा रहे हैं अगर हम बात करें तो उन्हें अगर एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की बात की जाए तो और इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव भी हो रही हैं और इन सभी चीजों का योगदान सिर्फ और सिर्फ एक चीज में हो रहा है और वो है हाइयर मेडिकल कॉस्ट प्रो हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल स्टेज एंड इंक्रीज मोर्टैलिटी ठीक है तो इसलिए हर कोई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के से जो है खतरे में है ठीक है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एएमआर जो है वो कैसे होता है तो देखिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है ठीक है एंटीबायोटिक्स क्या है वो मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं और ट्रीट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो तब अकर होता है जब बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को चेंज करता है हमेशा यूजिंग विद द रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिसिन ठीक है अब बैक्टीरिया नॉट ह्यूमंस और एनिमल्स ये जो हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं स्वयं ह्यूमन या एनिमल नहीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ह्यूमंस और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं और जब ये इन्फेक्ट होते हैं तो ये फिर बॉडी के अंदर जो है एक ऐसी सिस्टम डेवलप कर देते हैं जिससे कि आप जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं उनको ट्रीट करना आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये इन पर दवाइयों का असर ही नहीं होगा तो ये हार्ड तो हो होगा ही होगा ठीक है अब जो ग्राम रिपोर्ट आई है हमारी ग्राम रिपोर्ट में अगर हम देखें तो एएमआर को लीडिंग कॉज बताया गया है ऑफ द डेथ तो ग्लोबल लेवल पर जो भी डेथ्स हो रही हैं एच हो रहा है एड्स हो रहा है मलेरिया हो रहा है इन सब का जो कॉज है बेसिकली वो ए को बताया गया है और जितना ज्यादा होता है लगभग 4.95 मिलियन डेथ्स जो हैं बोला जा रहा है कि ये बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियल की वजह से हो रहे हैं इन 2019 मतलब कि 2019 में लगभग 4.95 लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ए और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा उनमें जो इंफेक्शंस होते हैं दैट इज मोर देन 1.5 मिलियन डेथ्स एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस इन 2019 तो काफी खतरनाक है ये एएमआर अब देखिए छह पैथोजेंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फॉर डेथ्स एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस और वो कौन-कौन से हैं उनका नाम देख लीजिए एक तो हमारा सबसे पहले ये है ई e. कोली दूसरा है स्टैफीलोकोकस तीसरा है क्लैपसीलिया uh, निमोनिया चौथा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसके बाद है एसिनेटोबैक्टर बेन्यूमनी और फिर है स्यूडोमोनस एरूगिनिजो ठीक है ये हमारे छह जो है लीडिंग पैथोजेंस पाए गए हैं और जो हमारी स्टडीज आई हैं जो इम्प्लीकेशंस आए हैं उनका ये कहना है कि ये कॉमन इन्फेक्शंस जो हैं स्पेशली uh, वो इन्फेक्शंस जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं ठीक है ब्लड स्ट्रीम में होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन्स होते हैं ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा लोगों को आ, नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों की किलिंग में जो है अपना योगदान दे रहे हैं और ये सभी इन्फेक्शन जो हैं ये हिस्टोरिकली ट्रीटेबल इलनेस थी ठीक है जैसे निमोनिया हो गई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन्स हो गए फूड बॉन एलिमेंट्स हो गए लेकिन अब इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो है अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ तेलंगाना में जो ट्राइबल फेयर होता है जिसका नाम है समक्का सरक का जतारा उससे रिलेटेड तो देखिए मेदाराम जो है एक टाइनी विलेज है तेलंगाना में जिसे कि ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ मुलुगु डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसे तैयार किया जा रहा है सजाया जा रहा है क्यों क्योंकि वहां होस्ट होना है एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल फेयर जिसका नाम है समक्का सरक्का जतारा देखिए ट्राइबल फेयर्स हो गए फोक फेयर्स हो गए और भी चीज़ हो गई जीएस पेपर वन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और फिल्म के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ठीक है तो चलिए समझते हैं समक्का का जतारा क्या है ये एक चार दिन का होने वाला मेगा ट्राइबल फेयर है जिसका जिसे स्केड्यूल किया जाता है इन फेबररी मिड फेबररी लगभग फे, फेब सिक्सटीन को में इन मेदाराम और ये सारा जो है ये होता है कहाँ पर टेक प्लेस वंस इन टू इयर्स हालांकि इट इज़ देखा जाए तो ये ओनली ट्राइबल फेयर है जिसको कि डिवोट किया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू ट्राइबल वॉरियर्स ट्राइबल वॉरियर्स का आपने नाम सुना होगा जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ एब्रोजिनल ट्राइबल पीपल तो ये लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं ट्रिब्यूट देते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये ट्राइबल फेयर जो है ये सिम्बलाइज करता है ट्रेडिशंस uh, को हेरिटेजेस को ऑफ दी कोया ट्राइबल पीपल कौन सी ट्राइब है ये कोया ट्राइब है ये नोट कर लीजिएगा ठीक है अब देखिए जो सेक्रेट साइट है मेदाराम में उसके आसपास जो सराउंडिंग जगह है जम वगु नाम से इसको नाम दिया गया आफ्टर ट्राइबल जो शहीद हुए थे उनका नाम था जम सन ऑफ समक्का ठीक है और ऐसा माना जाता है कि दे कम अलाइव विद लैक्स ऑफ डिवोटीज ड्यूरिंग दिस फोर डे जतारा ट्राइबल फेयर ठीक है तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है ठीक है अब ये है कि ट्राइबल्स क्यों आते हैं मेदाराम अगर हम बात ये करें कि भाई मेदाराम में क्यों कहीं और भी हो जाता क्यों यहाँ पर इतने सारे ट्राइबल्स इकट्ठे होते हैं तो देखिए ये फेस्टिवल जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्राइबल रिवॉल्ट को ट्रिब्यूट देता है उसे उसकी जो है एक तरह से उसकी एनिवर्सरी होती है उस दिन और जो ट्राइबल रिवॉल्ट था वो लेड किया गया था समक्का और सारा लम्मा से ठीक है सारा लम्मा जो और समक्का जो है ये मदर डॉटर डुओ थी और इन्होंने जो है आवाज उठाई थी अगेंस्ट लिवाई ऑफ टैक्सेस ऑन दी ट्राइबल पीपल जो कि इन्हें ड्रॉट के टाइम पे सूखे के टाइम पे भी इन्हें देना होता था बाय देन काकातिया इन सिंधी ट्वेल्थ सेंचुरी तो देखिए यहां से अब आपको एक एक के बाद एक इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जाएंगी यहां मिल गया आपको रूलर्स के बारे में ठीक है और अगर आपको कुछ पता है रूलर्स के बारे में तो फटाफट से वीडियो पॉज करिए और लिख लिख डालिए कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब जो ट्राइबल्स हैं हमारे वो मेदाराम जाते हैं ड्यूरिंग दिस जतारा ना सिर्फ ये ट्राइबल्स हमारे पास तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से आते हैं बल्कि मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जहाँ कहीं भी ट्राइबल्स हैं वो सब यहाँ विज़िट करने आते हैं और समक्का सरालम्मा जो हैं इन्हें एज लाइक डिवोटीज़ जो है ट्रीट किया जाता है ट्राइबल गॉडसेस ट्रीट किया जाता है और इन्हें जो है ऑफरिंग्स दी जाती हैं प्रोपेटेड किया जाता है इन्हें हेल्थ और वेल्थ के साथ ठीक है इन्हें ऑफरिंग्स दी जाती हैं कि आप जो है हम आपकी uh, सेवा में है और ये हमारी तरफ से ऑफरिंग्स है आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पास हेल्थ और वेल्थ दोनों बनी रहे ठीक है और जितने भी रिचुअल्स हैं जतारा साइड पर ये सारे हेल्ड किए जाते हैं विथ ट्राइबल ट्रेडिशंस अंडर द एजेस ऑफ ट्राइबल प्रीस्ट ठीक है और अगर हम फीचर्स की बात करें इनके सेलिब्रेशंस की तो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है इनका ट्राइबल फेयर को लेकर के जहाँ की जागरी यानी गुड़ की ऑफरिंग की जाती है टू द ट्राइबल गॉडेस एट द ऑल्टर्स ठीक है बैम्बू पोल्स बनाया जाता है ऑल्टर्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर जागरी ऑफर किया जाता है इनके ट्राइबल गॉडेस को यानी कि गुड़ ऑफर किया जाता है ठीक है और ये जो इनके फीचर्स हैं ये एनकम्पास्क भी करते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ द ट्राइबल फेयर्स जो कि डाई हार्ट डिवोटीज मनाते हैं गोइंग इन टू अ ट्रांस सेक्रीफाइस ऑफ फाउल्स एंड गोड्स और ट्रेडिशनल ड्रम बीट्स होते हैं फोक सॉन्ग्स होते हैं डांसेस होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ठीक है तो ये थी ये था हमारा बेसिकली समा uh, सतारा जतारा वाला जो सरक्का जतारा वाला जो पूरा ट्राइबल फेयर है उसके बारे में I hope ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है तो ये थी दोस्तों आज की खास खबरें जो कि ना सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर बल्कि मैंने द हिंदू की वेबसाइट से भी निकालकर आप लोगों को दी हैं। आई होप कि आपको ये बेटर लगी होंगी आपको समझ आई होंगी फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख कर आप हमें बता सकते हैं हम बिल्कुल आपके डाउट्स का निवारण करने की कोशिश करेंगे ठीक है और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं हैश टैग डेली सी रिचुअल्स के तहत जहां हम तमाम क्लासेस लेकर आते हैं आपके लिए ठीक है तो चलिए फटाफट से जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो लिख कर बता दीजिए और जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो इशू है जो पहली न्यूज थी हो सके तो उस पर वे फॉरवर्ड्स भी जरूर शेयर करिएगा रिजर्वेशन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं मेंस आंसर में अगर आपको लिखना होगा तो आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे उस न्यूज का एक अप्रोच बता दीजिए मुझे वहां पर फटाफट से ठीक है क्योंकि प्री और मेंस हम दोनों को ही साथ लेकर चल रहे हैं तैयारी के लिए ओके गाइज तो चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए मस ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए छोड़िएगा मत कहीं भी लैग नहीं आना चाहिए चलिए थैंक यू सो मच गाइस नमस्कार जय हिंद जय भारत सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम सिविल स्टेट